नमस्कार। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए? जी हाँ, लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास पावर है ना, उसकी वैल्यू समाज में बहुत होती है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। वो कहते हैं कि ये तीन चीजें जिसके पास होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है। और वो लोगों को भी यही कहते हैं कि अपने पास में लोगों ज्ञान बढ़ाओ, अगर नॉलेज, अगर आपकी वैल्यू बढ़ानी है ना तो ज्ञान बढ़ाओ या पावर बढ़ाओ या पैसा कमाओ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज अपन बात करेंगे एक मिडिल मैन, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के, उसके पास में न तो पैसा है, न पावर है, न ज्ञान है, फिर भी वो समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, आज इसके बारे में आपसे बात करें। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी इन टिप्स को अपनाकर समाज में अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा हो, उसके पास पावर हो या नॉलेज हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये अपना कर भी आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, समाज में अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद करें। अपने आप को कभी कमजोर न समझे दूसरों से, दूसरों के सामने बार बार हाथ न फैलाएं, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाकर रखें, अपने आत्म सम्मान को किसी के पास में गिरवी न रखें, तभी आपकी वैल्यू आपकी समाज में रहेगी। सेकंड, अपना वचन पूरा करें। आप कोई बड़े बड़े वादे ना करें, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो छोटे छोटे वचन करें, छोटे छोटे वादे करें लोगों से, और उन वादों को तय समय पर, तय वक्त पर पूरा करें। और हो सके तो मैं तो आपको यह कहता हूं कि उस जो आपने समय दिया है ना, उस समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करोगे ना तो सामने वाला व्यक्ति आपको याद रखेगा कि यार नहीं यार, वो अपना वचन का पक्का है वो। इससे क्या होगा, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपने कहा है कि मैं उस तारीख को आपको चुका दूंगा, तो कोशिश करें जो तारीख दी है उस तारीख से दो दिन पहले वो पैसे उसको चुका दे। आपकी वैल्यू उसके सामने बहुत बढ़ जाएगी। अगर मान लो पहली बार आपने उससे 10,000 रुपए मांगे ना और आपने उससे तय समय से दो दिन पहले लौटा दिया ना, तो दावा है मेरा आपसे, वादा है, जब कभी आप उससे दोबारा रुपए मांगोगे ना तो आपको 10,000 की जगह कहेगा कितने चाहिए ले जाओ यार, आपके लिए कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना वचन पूरा किया। तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े वचन करें, छोटे छोटे वचन करें, छोटे छोटे वादे करें, वो भी टाइम पर पूरा करें, आपकी वैल्यू अवश्य बढ़ेगी। थर्ड, हर समय उपलब्ध न रहें, अपने आप को बिजी रखें। अगर आप हर समय लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे ना तो आपकी मार्केट में कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग तो यही कहेंगे, अरे यार वो फ्री है ना यार, उसको ले जाओ, अरे यार वो फ्री है उससे वो काम करवा दो। हर वक्त आपकी वैल्यू और डाउन होती जाएगी अगर आप बार 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 लोगों को अपना टाइम दोगे और आप फ्री रहोगे तो। जितना हो सके बिजी रहे, अपना कार्य करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध न रहे, तभी आपकी समाज में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फोर्थ, कम बोले पर अच्छा बोले। आप परिवार में कहीं बैठे हो, आप समाज में कहीं बैठे हो, तो जितना हो सके कम बोले और जो भी बोले ना परफेक्ट बोले। बहुत से लोगों की आदत है चटर पटर कुछ कुछ करते रहते हैं और कुछ टाइम पास करते रहते हैं, तो उनकी कोई मार्केट में, उनकी कोई समाज में कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए आप जहां पर भी बैठो ना, जितना आपके पास में नॉलेज है, जितना आपके पास में जो भी आपकी जानकारी है ना, वही लोगों को शेयर करें और सही जानकारी शेयर करें। आलतू फालतू और गपशप की बातें और फ्रॉड चीजें लोगों से शेयर न करें। आप अगर सही चीजें लोगों से शेयर करेंगे और कम बोलेंगे ना, अच्छा बोलेंगे ना, तो लोग आपको याद रखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर लोगों के पास में पैसा होता है, पावर होता है, लेकिन अगर विनम्रता नहीं होती है ना तो लोग पीठ पीछे उनकी हमेशा बुराई करते हैं। आपके पास ना नॉलेज है, ना पावर है, ना पैसा है, फिर भी अगर आपके व्यवहार में विनम्रता है ना, तो दावा है मेरा आपसे,
लोग आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका आदर करेंगे पीठ पीछे। इसलिए विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। विनम्रता अपना ले अपने जीवन में, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़े। सेक्स समय बर्बाद न करें, जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दें। लोगों के साथ में आलतू फालतू बैठना, गपशप लगाना और ऐसे टाइम वेस्ट करना ऐसे कभी ना करें। भले ही आप छोटा काम करें लेकिन करते रहें, समय पर करते रहें, कभी भी टाइम वेस्ट न करें। तो ये सिक्स आदतें अपने जीवन में उतार लें। भले ही आपके पास नॉलेज ना हो, पावर ना हो, पैसा ना हो, अगर ये छह बातें आपने उतार ली ना अपने जीवन में, तो आपकी वैल्यू आपके समाज में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके परिवार में सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी होगी। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको